तो दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ इजी होता है जब तक आप बिजी होते हैं। कुछ भी इजी नहीं होता जब आप लेजी होते हैं। तो बिल्कुल भी लेजी मत होइए है, ये जो समय चल रहा है आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अक्टूबर 20, 2019 और डे है संडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट। आप लोग अगर अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ जा रहे हैं और आपको चाहिए एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट, आप लोग मेरा रेफरल कोड aman.sharma का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करना ना भूलिएगा। अनअकैडमी प्लस पे टॉप एजुकेटर्स आपको लाइव एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज आप लोगों के लिए हम लोग क्विजेज और टेस्ट्स भी लेकर आते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी भी है आपको अगर अनअकैडमी प्लस सेलेक्ट करते हुए, तो नीचे दिया गया है मेरा टेलीग्राम लिंक, वहाँ पर मुझसे संपर्क करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी WHO's 2019 एडिशन ऑफ ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। हमारे सामने आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2019 ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, जिसके अंदर इंडिया के अंदर टीबी इंसिडेंस रेट ऑलमोस्ट 50,000 से हमें कम होते हुए नज़र आए हैं। पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरी स्टेटमेंट आधी सही है जो कहती है कि इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019 नोट्स दैट इंडिया इज क्लोजेस्ट एवर टू कवरिंग ऑल टीबी केसेस थ्रू द ऑनलाइन नोटिफिकेशन, जिसको हम लोग निक्षय के नाम से जानते हैं। निक्षय भारत सरकार ने लॉन्च किया था, एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके बेसिस पे यहाँ पर टीबी के केसेस को ऑनलाइन मॉनिटर किया जा रहा है। पर जो सेकेंड हाफ है वो गलत है, कि उसमें लिखा हुआ है कि देयर बाय गैप ऑफ अनरिपोर्टेड केस और पेशेंट्स इन इंडिया इज़ वेरी लो, बल्कि ये गलत है। अराउंड 5 लाख से ज़्यादा हमारे देश में अनरिपोर्टेड केस भी हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ए, 1 and 2 ओनली। आपके लिए आज का सवाल माउंट पिक्टू से रिलेट करते हुए, आजकल ये माउंट पिक्टू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द चिंगबाई एंड बिकदू दियान रेंजेस। जो लोकल लोग हैं वो इसको यहाँ पर कुछ मिथिकल क्वालिटी के नाम से जानते हैं। इट्स अ डोमिनेंट वॉल्केनो, 1000 साल पहले कभी ये फटा होगा। इट्स अ कालडेरा लेक, कंसीडरिंग इट टू बी देयर कंट्रीज स्पिरिचुअल होम। इट लाइज इन द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के साथ कौन सा ऐसा देश है जिसके बॉर्डर पर यह पड़ता है? ऑप्शन है आपके साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान और रशिया। अपने अपने आंसर्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1, पहली खबर मिलती है यूके पार्लियामेंट वोट्स टू फोर्स ब्रेग्जिट डिले। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ब्रेग्जिट से रिलेट करते हुए जो यहाँ पर बोरिस जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील फाइनलाइज करने की यहाँ पर कोशिश करी है, जिसके अंदर बोला गया है कि यहाँ पर अराउंड 39 बिलियन पाउंड प्रोवाइड करेगा यूके यूरोपियन यूनियन को एज द डिवोर्स डील। डिवोर्स डील जैसे जैसे फाइनलाइज होगी, फाइनली अलग होता हुआ नज़र आएगा। और 2020 के एंड तक जितनी भी चीज़ें हैं वो यूरोपियन यूनियन लॉ के हिसाब से फॉलो की जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसके साथ जो बाकी सारा रिलेशन है वो ट्रेड का वैसे ही रहेगा जैसे कि यूरोपियन यूनियन का है, पर यहाँ पर यूके की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, और यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड के बीच में, और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और यहाँ पर यूके के बीच में कस्टम्स लॉ लगते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। पर रास्ता अभी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी यूके के पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन सेड ही वुड नॉट नेगोशिएट अ फर्दर डिले टू ब्रिटेन्स डिपार्चर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, और जल्द ही वो यहाँ पर चाहते हैं कि वोटिंग हो ब्रेग्जिट डील से। बट पार्लियामेंट ने यहाँ पर जो ओलिवर लिटविन है, फॉर्मर कंजर्वेटिव कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने एक अमेंडमेंट पेश किया इस पर्टिकुलर डील के, और उस अमेंडमेंट के हक में जाते हुए नजर आए हैं। जब अमेंडमेंट होगा तो हमें थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पर ब्रेग्जिट वाला पूरा इशू। मूविंग ऑन पेज नंबर 1, एक और खबर मिलती है इंडिया डिसाइडेड टू पुट ऑफ पीएम मोदी विजिट टू टर्की। हम लोगों ने यहाँ पर जो टर्की विजिट करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसको अभी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली टर्की ने सीरिया के साथ यहाँ पर एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन आउट किया है, जिसको यहाँ पर यूएस ने नेगोशिएट किया था। हुआ क्या था, सीरिया के अंदर जो यहाँ पर खुद्स हैं
उनके खिलाफ टर्की ने यहाँ पर एक्शन लेना चालू कर दिया था उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, जब यूएस ने अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया। बेसिकली सिचुएशन यहाँ पर ये थी कि यूएस और जो खुर्द लोग थे वो एक साथ लड़ रहे थे इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, और जब यहाँ पर यूएस बाहर निकल गया तो खुर्द से लोगों की यहाँ पर जो डिमांड है वो पहले से क्या चाहते हैं, दे वांटेड खुर्दिस्तान। तो खुर्दिस्तान यहाँ पर जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो टर्की का है, इसलिए टर्की ने यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट कर दी। सीज फायर के अंदर टर्की और यहाँ पर सीरिया के बीच में एक बफर जोन बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसको यहाँ पर हम लोग सेफ जोन भी कहते हैं, जहाँ पर सारे रिफ्यूजीज आके रहेंगे। इस जोन में अभी खुद लोग रहते हैं, इनको बोला गया है कि आप वापस सीरिया के जो मेनलैंड पार्ट है, जो बिटवीन है, सेंट्रल सीरिया है, उसके अंदर आ जाओ और तब तक यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं होगा। पर इंडिया ने क्यों मना किया है, इंडिया ने क्यों यहाँ पर मना किया है? बेसिकली जो प्रपोज विजिट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अंकारा के लिए, उसको अभी पुट ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो पिछले महीने हुई थी वहाँ पर टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन की जो स्पीच थी वो इंडिया के खिलाफ जा रही थी। ही वॉज क्रिटिसाइजिंग इंडियाज मूव ऑन आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जो स्पेशल स्टेटस वापस लिया गया है, उसको यहाँ पर ये उसके खिलाफ बोल रहे थे, उस पर्टिकुलर डिसीजन की निंदा कर रहे थे। इसलिए इंडिया इज अनहैप्पी बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, इसलिए हम लोगों ने जाने से कर दिया है मना। पेज नंबर 5, हम लोगों को एक और खबर मिलती है, रिफ्ट इन राजस्थान कांग्रेस ओवर हाइब्रिड पोल मॉडल। यहाँ पर बात हो रही है एक नए पोल मॉडल के बारे में, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड पोल मॉडल। हुआ क्या है, बेसिकली जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं जिनको हम लोगों ने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, उसको यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश यहाँ पर राजस्थान सरकार कर रही है। नए मॉडल में अब जो अपकमिंग म्यूनिसिपल इलेक्शंस होंगे, अगर उन इलेक्शंस के अंदर कोई कैंडिडेट हार भी जाता है तो भी वो मेयर या चेयरपर्सन बन सकता है सिविक बॉडी का। ऑल दो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाइब्रिड मॉडल के अंदर ये है कि अगर कोई भी पर्सन डिफीट भी हो जाता है इन दी कॉर्पोरेट्स इलेक्शन, वो फिर भी यहाँ पर हेड बन सकता है अर्बन लोकल बॉडी का। बेसिकली यहाँ पर अनडायरेक्टली इलेक्शन, ओके, नॉन डायरेक्ट इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया टू कंडक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ मेयर एंड चेयरपर्सन इन कोऑपरेशन एंड म्यूनिसपैलिटीज विद द कंटेंशन दैट द सिविक बॉडी हैड डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय पब्लिक ऑफिशियल इग्नोर द काउंसलर्स एंड नेलेक्टेड द डेवलपमेंट वर्क। बोला गया है कि जो लोग उनमें से चुन के आते थे वो काम को अच्छी तरीके से नहीं देखते थे और काम को निगलेक्ट करते थे। पेज नंबर 9, खबर मिलती है, सेंटर क्लेरिफाइज ऑन डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, ओके, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो कि यहाँ पर वर्क करती है अंडर द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेस्ट्री डिवीजन के, यहाँ पर उसकी क्लेरिफिकेशन आई है कि स्टेट्स को ज़रूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की ये डिफाइन करने के लिए कि कौन कौन सी ज़मीन यहाँ पर एज फॉरेस्ट डिफाइन होगी। 2014 से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कंसीडर कर रही है कि वो एक लीगल डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे फॉरेस्ट की, और यहाँ पर उन्होंने एक ड्राफ्ट भी प्रिपेयर कर लिया था 2016 के अंदर। दीज हाउएवर वर नेवर मेड पब्लिक, और FSC की जो क्लैरिफिकेशन है वो इसको एक ऑफिशियल स्टेटस देती है। फ्रीडम टू डिफाइन लैंड नॉट ऑलरेडी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट बाई द सेंट्रल और स्टेट रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट हैव बीन प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट सिंस 1996 एंड स्टेम्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, जो कि यहाँ पर आया था गोदावरम जजमेंट के अंदर। जो FSC क्या है, FSC एक अपेक्स बॉडी है जो कि यहाँ पर परमिशन ग्रांट करती है इंडस्ट्रीज़ को कि हाँ आप फॉरेस्ट गिरा सकते हो। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया, जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की अराउंड 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जो कि एक्सपेंड कर रहा था डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसके अंदर उन ज़मीनों को भी कवर किया गया जिनको पहले से ही नोटिफाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, दैट अपियर्स इन फॉरेस्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी, जो उन्हें फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं उनको भी यहाँ पर फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर लेकर आएंगे। जो लेटर क्लॉज है उसने स्टेट्स को अलाउ किया था कि वो अपने खुद के क्राइटेरिया की तरफ आ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ज़मीन को एज फॉरेस्ट लैंड एंड दीज वुड देन बी बाउंड बाय फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज, फिर वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज के अंदर वर्क करेंगे। पेज नंबर 9, खबर मिलती है, RBI डिप्यूटी गवर्नर पोस्ट वेकेंट फॉर 3 मंथ्स। इस समय पर जब हमारी इकोनॉमी एक स्लगिश ग्रोथ की तरफ जा रही है, यहाँ पर हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि डिप्यूटी गवर्नर
मॉनेटरी पॉलिसी, इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी तक वो पोस्ट हमारे आरबीआई के अंदर खाली है। कौन सेलेक्ट करता है इन लोगों को? सेलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पर एक कमेटी द्वारा, जिस कमेटी का नाम है फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। जो सेंट्रल बैंक है उसके अंदर 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें से 2 बाहर से इलेक्ट होते हैं, एक कमर्शियल बैंकर होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, बाकी 2 जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही हमें प्रमोट होते हुए नज़र आते हैं। हमारी देश की इकोनॉमी आज वैसे भी एक हेडविंड फेस कर रही है बहुत सारे फ्रंट पे, और गवर्नमेंट अभी भी यहाँ पर डिप्यूटी गवर्नर को यहाँ पर अपॉइंट करने में फेल रही है। ऑन अगस्त 1st द गवर्नमेंट हैड इन्वाइटेड एप्लीकेशन टू फिल अप द डिप्यूटी गवर्नर्स पोस्ट। एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसका यह कहना था कि कम से कम 25 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इंक्लूडिंग एट द लेवल ऑफ सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एन इंडियन और इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लोग भी अप्लाई कर सकते थे। ओके, FSRASSC कमेटी के बारे में याद रखना, यह काम क्या करती है, और सेंट्रल बैंक के पास 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। पेज नंबर 9, खबर मिलती है IMF मेंबर्स डिले कोटा चेंजेस, एग्री टू मेंटेन फंडिंग। देखो यहाँ पर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो WTO हो, UNESCO हो या IMF हो, क्योंकि बोला जा रहा है कि इनको यहाँ पर डेवलपिंग देशों की तरफ भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से बोला गया है कि यहाँ पर जो फंडिंग दी जाती है अराउंड $1 trillion की, उसको मेंटेन किया जाएगा देशों द्वारा, बट यहाँ पर जो वोटिंग स्ट्रक्चर चेंज करने की डिमांड हो रही थी उसको अभी के मैनर में पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। जो डील है दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज विद द US, जो कि यहाँ पर IMF का सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। हुआ क्या, फ्राइडे की जो डील है वो अलाउ कर रही है एन एक्सटेंशन ऑफ नॉन परमानेंट सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ फंड, जैसे कि न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, जो कि एक रिन्यूएबल फंडिंग मैकेनिज्म है जो कि 1998 के अंदर एग्जिस्ट करता था। एक और है बायलेटरल बोरोइंग फ्रॉम कंट्रीज, और IMF हैज एंटर्ड इनटू दीज आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। जो एग्रीमेंट है वो एक्सटेंड करता है बायलेटरल बोरोइंग फैसिलिटी बाय अ ईयर टू द एंड 2020 एंड पोटेंशियल डबलिंग ऑफ द NAB द न्यू अरेंजमेंट टू बोरो। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली एग्री किया गया है कि जो पैकेज होगा उसके अंदर IMF कोटा को अभी जैसे है वैसे ही रखा जाएगा, पर आगे जाके उसके अंदर जो वोटिंग शेयर हैं उनको उसी हिसाब से डिफाइन किया जाएगा 2023 तक। देखो IMF के अंदर सारे के सारे देश कुछ ना कुछ पैसे जमा करते हैं जब वो कोई मेंबरशिप लेते हैं, और जब पैसे जमा करते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे होते हैं। देखा जाता है कि किसी देश की GDP कितनी है, देखा जाता है उस देश की इकोनॉमिक ओपननेस कितनी है, देखा जाता है कि उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है, और उसके इंटरनेशनल रिजर्व्स भी देखे जाते हैं। कुछ IMF मेंबर्स हैव बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद द पेस ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स, कुछ देश परेशान हैं, जिसमें खासकर यहाँ पर 2 देश हैं चाइना एंड इंडिया, दे आर द वर्ल्ड्स ऑफ लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ओके, इंडिया का जो कोटा है वो अराउंड 2.76% है, चाइना का 6.41% है, US का कोटा 14.46% है। ओके, US का कोटा इतना ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सुपर मेजोरिटी के लिए 85% वोट्स चाहिए। अब देखो 85% चाहिए और जिसमें से 17.46% सिर्फ US के पास है, तो सारे के सारे डिसीजन बिना US के नहीं हो पाते। US के यहाँ पर जो शेयर्स हैं उन्हें कम करने के बाद कुछ देश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं जिनमें चाइना प्रोमिनेंट है कि यहाँ पर इक्विटेबली डिफाइन किया जाए। जो कोटा है दे आर सपोज टू बी रिव्यूड एवरी 5 years, हर 5 साल में इन कोटा को रिव्यू करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, ऑल दो दिस रिव्यू कैन बी डिले, इनको डिले जरूर किया जा सकता है। ओके, 14th रिव्यू को थोड़ा डिले किया गया। जो 15th कोटा रिव्यू है वो करेंटली अभी अंडर वे चल रहा है, उसके लिए यहाँ पर बातचीत की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, पेज नंबर 9 आर्टिकल मिलता है हम लोगों को एक इंद्री वाले सेक्शन में। याद रखना कि गुटखा पान मसाला बैन कर दिया गया है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर टोटल बैन लगा दिया है इन ऑन द टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गुटखा एंड पान मसाला। बेसिकली वो सारी की सारी चीज़ें जिसमें हाई कंटेंट ऑफ टबैको है, निकोटीन है, उनको पूरी तरीके से अभी के मैनर में बैन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, FAQ वाला सेक्शन है, पेज नंबर 14, एक आर्टिकल आपसे रिलेट करते हुए आया है, जस्टिस अरुण मिश्रा वाला, जो हम लोगों ने कल एक्सप्लेनेशन में लिया था, और उससे रिलेटेड जो बेसिकली क्वेश्चन बनेगा GS पेपर 2 में वो ये है यहाँ पर कि कोलिजियम के बारे में, यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में। ओके, बाकी जो केस है दैट इज़ नॉट ऑल दो इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आपके लिए आता है FAQ सेक्शन में, RRCEP ट्रेड नेगोशिएशंस ऑन अ स्टिकी ग्राउंड।
यहाँ पर बात हो रही है RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। ओके, व्हाट इज़ RCEP? सबसे पहला तो सवाल यही है कि RCEP क्या है। RCEP बेसिकली एक ट्रेड ग्रुपिंग है, वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्री ट्रेड पैक्ट है, जिसके अंदर 10 यहाँ पर आसियान देश हैं, उसके साथ साथ इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ जापान और साउथ कोरिया, 6 अन्य देश हैं। ये 16 देश हैं, दे अकाउंट फॉर लिटिल लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स GDP इन्हीं सारे देशों के पास है। इसी जो बातचीत है वो 2012 में चालू हुई थी, अभी भी बैंकॉक के अंदर चल रही है मीटिंग। मैंने आपके लिए राइट हैंड साइड पे एक ग्राफ लगाया हुआ है, इस ग्राफ में बताया हुआ है कि इंडिया की टर्म्स में बाकी सारे देशों का आप अगर डेफिसिट देखोगे तो चाइना के साथ अपना डेफिसिट यहाँ पर -53.57% है। सिर्फ एक फिलीपींस ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारे पास एक सरप्लस का अमाउंट है। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ क्या हमें दिखाई दी कि यहाँ पर इंडिया के लिए एक नेगेटिव सेंस में ये हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि पोटेंशियल बेनिफिट क्या होगा और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे यहाँ पर RCEP के। एक बार जब ये डील फाइनलाइज हो जाएगी, बोला जा रहा है कि ये स्टेबिलिटी लेकर आएगी हमारे और यहाँ पर आसपास के बहुत सारे देशों के ट्रेड रिलेशंस के अंदर, और कहीं ना कहीं हम लोग जो आगे करने वाले हैं वो सारी के सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं। जो डील है, इट इज़ अ सेंस अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन सिग्नेटरी कंट्रीज वुड ओपन अप मार्केट ऑफ ईच ऑफ पार्टनर कंट्रीज टू दी अदर। यहाँ पर एक फेवरेबल आउटकम की हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो हमें यहाँ पर नज़र आएगा, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इसीलिए जब मामल्लापुरम के अंदर अभी रिसेंटली मीटिंग हुई तो उसके अंदर इंडिया ने चाइना को भी बोला कि हम नहीं चाहते कि RCEP हमारे लिए एक नेगेटिव सेंस में काम करे। इन एडिशन देर इज़ अ फियर दैट एट अ टाइम जब यहाँ पर US और चाइना एक ट्रेड वॉर के अंदर फंसे हुए हैं, यहाँ पर जो ट्रेड ग्रुपिंग है चाइना के साथ वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड कर सकती है यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट्स, और इंडिया को फोर्सिबली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साइड तो चुननी ही पड़ेगी कि वो US के साथ जाएगा या चाइना के साथ जाएगा। एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन सकती है इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए कि वो यहाँ पर ट्रेड रिलेशन किस देश के साथ यहाँ पर इस्टेब्लिश करने में इच्छुक हैं। बट आर इंडियाज इशू विद RCEP, हमारे लिए क्या क्या इशू हैं? देखो, अपना पहला इशू तो हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, कि चाइना यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा और चीप प्रोडक्ट्स हमारे देश में भेजेगा, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सस्ते। ओके, जो कि हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। इंडियन गवर्नमेंट हैविंग टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू कर्व सच इंपोर्ट्स, ये यहाँ पर इंक्लूड करते हैं कि हम लोग सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे सोलर पैनल इंपोर्ट्स के ऊपर, इम्पोज करेंगे एंटी डंपिंग मेजर्स स्टील के ऊपर करेंगे खासकर। ओके, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम द वेरियस RCEP नेगोशिएशन, इंडिया यहाँ पर एक एग्रीमेंट के अंदर आ सकता है। ओके, और हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूटीज ऑन 80% ऑफ द आइटम इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। While this is a small percentage of item as compared to India is prepared to do for other countries too. अब देखो क्या है कि यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है या डेयरी सेक्टर है, उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया को कट डाउन करनी पड़ेगी अपना यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटीज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान प्रोडक्ट्स के, जापान के, साउथ कोरिया के। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम सिर्फ चाइना से है, प्रॉब्लम यहाँ पर बाकी सारे देशों से भी है। तो इंडिया की प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, देयर आर सेवरल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ RCEP एग्रीमेंट विच इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, ई कॉमर्स वाला किस्सा। ओके, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठा कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं होगी RCEP के अंदर। यहाँ पर रॉयल्टीज़ का मुद्दा उठा कि एक रॉयल्टीज़ के ऊपर जो कैपिंग लगा रखी थी वो यहाँ पर चली जाएगी। यहाँ पर मुद्दा उठा ई कॉमर्स फर्म्स का, मुद्दा उठा डिविडेंड्स का। ओके, ई कॉमर्स के अंदर यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन की बात हो रही थी, जिसको भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हम लोग डेटा लोकलाइजेशन तो करेंगे ही करेंगे। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि हम लोग एक बायलेटरल टॉक्स की तरफ भी यहाँ पर आगे बढ़ें विद द RCEP, चाइना जैसे देशों को हम लोग ये चीज़ समझाएं कि हमारे लिए ट्रेड डेफिसिट का जो यहाँ पे मुद्दा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों में मिस आउट कर जाएंगे। ऐसा ना हो कि RCEP वाला मुद्दा हमारे लिए एक नेगेटिव सेंस में आए। पेज नंबर 15, हम लोगों को खबर मिलती है डिकोडिंग हाउ प्लांट रूट्स रीजनरेट। देखो, रीजनरेशन लिजार्ड्स जो होती हैं वो अपनी खोई हुई पूछ को वापस पा लेती हैं। ओके, दैट्स रीजनरेशन। ज़ेब्रा फिश अपने यहाँ पर दिल को भी यहाँ पर रिपेयर कर सकती है, और यहाँ पर बहुत सारी एनिमल्स के अंदर इसी तरीके की कैपेबिलिटी होती है। कुछ प्लांट्स यहाँ पर अपने टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम प्लांट्स अपने यहाँ पर रूट्स को रीजनरेट कर पाते हैं। अब रूट्स को रीजनरेट करने के लिए यहाँ पर उनको जिस पर्टिकुलर प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसे खोज लिया गया है। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च थिरुवनंतपुरम ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि एक प्रोटीन है
जिसका नाम है प्लोथेरा टू, ये बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे यहाँ पर रूट्स का रीजनरेशन होता है। इसी के ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए, देखा गया, टीम ने पूरी यहाँ पर प्लांट रूट को ऑब्जर्व किया, प्लोथेरा टू को ऑब्जर्व किया, और यहीं पे हमारे सामने रिजल्ट आता हुआ नज़र आया। और एग्रोनॉमिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है। पेज नंबर 15, खबर मिलती है हाउ इंसेक्ट पेस्ट वाइप ऑफ अजंता केव पेंटिंग। सबसे पहले याद रखना, अजंता जो केव पेंटिंग्स हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बुद्धिज्म, यहाँ पर आपको रिलीजन देखने को मिलेगा। अ क्लासिकल मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट अजंता पेंटिंग, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, उस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। वहाँ पर बहुत सारी केव पेंटिंग हम लोगों को डिटेरियोरेट होती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ क्लाइमेट्स की वजह से और कुछ यहाँ पर इंसेक्ट्स की वजह से। यहाँ पर देखा गया कि अजंता केव थोड़े से यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कि कुछ कॉमन इंसेक्ट्स हैं जैसे सिल्वर फिश, बिटल, कॉमन बग, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक और बड़ा रीज़न हो सकता है कि रेन वाटर की एंट्री, पानी यहाँ पर वघूरा रिवर के तरफ से एंटर कर जाता है। ओके, एटमॉस्फेयर की डैम्पिंग, उसकी वजह से एल्गे, फंजाई, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स वहाँ पे होते हुए नज़र आए हैं। जो ओरिजिनल कलर है पेंटिंग के, वाइट जो था वो येलो हो रहा है, और जो ब्लू था वो यहाँ पर ग्रीन होता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 15, खबर मिलती है प्रोटीन रेंडरिंग रेडिएशन रेजिस्टेंस इन सर्वाइकल कैंसर फाउंड। सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हम लोग रेडिएशन और केमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, कई बार दोनों मिक्स करते हैं तो उन्हें रेडियो केमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। अर्ली स्टेज के अंदर ये कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, पर धीरे धीरे यहाँ पर पेशेंट्स इन पर्टिकुलर थेरेपी के खिलाफ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना क्यों बंद कर देते हैं, क्यों रेजिस्टेंट आ जाती है थेरेपी के थ्रू, इसके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, उसको खोजा गया है, जिसको बोला गया है RHOC रॉक। ओके, जो रॉक टू है इट इज अनदर मॉलिक्यूल दैट गेट्स ओवर एक्सप्रेस्ड बिकॉज यहाँ पर इरेडिएशन और ट्यूमर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, IIT बॉम्बे सेंसर डिटेक्ट जिंक इन स्वेट सॉइल इन रियल टाइम। एक नया सेंसर बनाया गया है जिससे जिंक को डिटेक्ट किया जा सके, और जिंक को यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे सॉइल में और ह्यूमन स्वेट के अंदर भी डिटेक्ट किया गया है। मूविंग ऑन पेज नंबर 20, कलेक्टिव एनिमल बिहेवियर बिगेन हाफ अ बिलियन ईयर एगो। यहाँ पर 480 मिलियन साल पुरानी बात की जा रही है, और उस समय यहाँ पर एक फॉसिल पाया गया ऑफ टाइनी हॉर्सू शेप्ड क्रिएचर दैट एज्ड अलोंग द ओशन फ्लो। और सिंगल लाइन फॉर्मेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी राइट हैंड साइड में जो रिमेन्स हैं इस पर्टिकुलर एक्सटिंक्ट क्रिएचर के, उसको यहाँ पर ट्राइलोबाइट्स के नाम से कहा जा रहा है, विच ऑलमोस्ट परफेक्टली प्रिजर्व्ड बाय द मोरक्कन डेजर्ट्स नियर टाउन जगोरा। ओके, जितने भी आर्थ्रोपॉड्स हैं, अ फाइलम दैट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, सेंटिपेड्स, स्पाइडर, क्रस्टेशियंस। ओके, यहाँ पर इनकी सेगमेंटेड बॉडी है और एक्सोस्केलेटन भी आप इनका देख सकते हो। ओके, दे आर ऑल्सो हैविंग एन एक्सोस्केलेटन, इन्वर्टेड यू जैसी शेप आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, एक नई जो न्यू फाइंड है, इट सजेस्ट दैट टू पॉसिबल सिनेरियो, जो कि प्रिमिटिव एनिमल्स जिनके स्पीसीज यहाँ पर एम्पिक्स प्रिस्कस बोली जा रही है, इट माइट हैव बीन मूविंग फ्रॉम वन माइक्रो एनवायरमेंट टू अनदर टू अवॉइड बैड वेदर। मूविंग ऑन पेज नंबर 20, यहाँ पर खबर आई है मार्स हैड सॉल्ट लेक सिमिलर टू अर्थ सेज स्टडी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शायद मार्स के ऊपर कभी ना कभी सॉल्ट लेक्स हुआ करती होंगी, ड्राई और फेजेस उसके अर्थ की तरह आते होंगे, और क्लाइमेट चेंज की वजह से मार्स इस तरीके की स्थिति में आ गया, एक हॉट प्लैनेट बन गया। ओके, इसी तरीके की चीज़ें नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने 2012 में भी बताई थी। पेज नंबर 20, हम लोगों को खबर मिलती है न्यू मेथड टू आइडेंटिफाई एग्रेसिव ट्यूमर्स। यहाँ पर एक नया मेथड आया है जिससे ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस नई स्टडी का नाम है यहाँ पर QSQ, ओके, विच असेसेस द अमाउंट एंड टाइप ऑफ CNA या कॉपी नंबर ऑल्टरेशंस अलग अलग पार्ट में बॉडी के, और ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने में ये काम आ रहा है। आज के इस बस इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।